दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी कि लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट क्लास 11th 2023 सेशन के लिए 22 जुलाई को संभावित है और नवोदय विद्यालय समिति ने जब प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया था तो उसी प्रोस्पेक्टस में डेट लिख दी थी कि भाई 22 जुलाई दिन शनिवार को 11 बजे आपकी परीक्षा होगी। दो सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, पहला सवाल कि भाई हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, दूसरा सवाल कि हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा। दोनों सवालों के जवाब इसी वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी से और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी डेली डोज बॉक्स पर आपको मिलती रहती है। तो आज क्लास 11th की बात करते हैं, एडमिट कार्ड कब आएंगे और कहाँ उनका सेंटर रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो है क्लास 11th की जो डेट है एग्ज़ाम की वो 22 जुलाई है और सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति ने यही डिसाइड किया था। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं 8 नंबर पर है डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ क्लास 11th लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2023, ये 22 जुलाई को है भाई 11 बजे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे पास में ये है कि भाई हमारा जो है एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा सेंटर कहाँ रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको इसी नोटिस में नवोदय विद्यालय समिति ने जब ये नोटिस जारी किया था तब ये सारी चीज़ें वहीं पर क्लियर कर दी थी। भाई यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 11 में आपको साफ साफ लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड्स, यानी कि 12 नंबर पॉइंट और 11 नंबर पॉइंट, द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल एज पर द डेट डिसाइडेड बाई NVS इन ड्यू टू कोर्स विच विल बी डिस्प्लेड ऑन एप्लीकेशन पोर्टल प्रोबेबली 1st जुलाई 2023, यानी 1 जुलाई 2023 से आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे और आप लोग इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है आपका रिजल्ट भाई कब आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि सेशन जो है वो लेट हो रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी बहुत सारे एडमिशन ले चुके होंगे और क्लास 11th में ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं अप्रैल में ही, तो ज़्यादा अभ्यर्थी इंतज़ार नहीं करेंगे। भाई जुलाई और अगस्त में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट जुलाई एंड अगस्त, या तो जुलाई में तो नहीं आ जाएगा इतनी जल्दी क्योंकि 22 जुलाई को लगभग एग्ज़ाम है और तुरंत एकदम रिजल्ट नहीं आ सकता। उसके बाद जो है आपको ये रिजल्ट अगस्त में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसके जो सेंटर है वो कहाँ रहेंगे। भाई अब कर लेते हैं एग्जाम सेंटर की बात। जवाहर नवोदय विद्यालय में एक वार्तालाप के अनुसार मुझे ये पता लगा है कि फॉर्म की संख्या कम है, ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़े हैं, लगभग एवरेज फॉर्म पड़े हैं सब जगह। तो मैक्सिमम जो संभावनाएं हैं वो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो आपके ज़िले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय है उसी नवोदय विद्यालय को आपका सेंटर बनाया जाएगा और आपकी परीक्षा आपने अपने ज़िले के जवाहर नवोदय विद्यालय में ही देनी है। कहने का मतलब ये कि जैसे क्लास 6 में अदर स्कूल्स में सेंटर बनते हैं वैसे आपके सेंटर नहीं बनेंगे, जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उसी जवाहर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत आपकी ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी ऑन द OMR शीट। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा के लिए, 22 दिन बाकी हैं। आप लोग बेस्ट बुक की बात करते हैं भाई क्लास 11th की तैयारी के लिए बुक्स कौन सी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, 3 बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। आप फटाफट से जाइए और तैयारी करिएगा क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। छोटा सा वीडियो था भाई और वीडियो को शेयर, चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसी ही जानकारी आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।